नई नवेली एक्ट्रेस से कम नहीं है। हेमा मालिनी की इसी खूबसूरती को कैनवस पर उतारा मशहूर चित्रकार कृष्ण और गोविंद कन्हाई ने। किसी शायर की गजल किसी झील का कमल। अपनी खूबसूरत पेंटिंग पर निहाल होती हेमा मालिनी ने यहाँ जो कहा वो उनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। किसी शायर की गजल। हेमा मालिनी की ये बात आज की नई हीरोइंस के लिए एक चैलेंज भी है। इस पेंटिंग एग्जीबिशन के दौरान जब पत्रकारों ने हेमा मालिनी से पूछा कि उनकी नजर में आज की ड्रीम गर्ल कौन है, तो हेमा मालिनी का जवाब क्या था खुद ही देखिए। हेमा जी, आपसे ड्रीम गर्ल की उपाधि अभी तक कोई छीन नहीं पाया है, तो पर्सनली आप किसको देना चाहेंगे आजकल की अदाकारों में? पेंटिंग है ना प्रिया पेंटिंग है ना तो सुना आपने, इशारों इशारों में ही सही हेमा मालिनी ने ऐलान कर दिया कि आज भी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल वही है, कोई और नहीं। बेशक आज दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर सरीखी एक्ट्रेसेस अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों पर राज कर रही हैं, लेकिन खुद ड्रीम गर्ल की नजर में उन्हें टक्कर देने वाला कोई भी नहीं है। आपको हम फिर से सुनाते हैं ड्रीम गर्ल के बारे में पूछने पर क्या कहा हेमा मालिनी ने। हेमा जी, आपसे ड्रीम गर्ल की उपाधि अभी तक कोई छीन नहीं पाया है, तो पर्सनली आप किसको देना चाहेंगे आजकल की अदाकारों में? ड्रीम गर्ल पेंटिंग है ना प्रिया पेंटिंग है ना मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। किसी शायर की गजल किसी झील का कमल किसी शायर की गजल किसी झील का कमल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रिंगल ड्रिंगल किसी शायर की गजल किसी झील का कंवल ढींगल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ढींगल ढींगल किसी शायर की गजल ढींगल। हेमा मालिनी के इस दावे में दम भी है। उनकी खूबसूरती के साथ ही उनकी एक्टिंग और काम के प्रति लगन वाकई बेजोड़ है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर ही उनकी पेंटिंग तैयार हुई, जिसे हेमा मालिनी खुद से भी ज्यादा सुंदर मानती हैं। पेंटिंग वाली मैं तो वैसे ही हूँ, तो इन्होंने मुझे 100 गुना और भी सुंदर बनाया है। बहुत बहुत नेचुरल लगता है, आपको लगता है ना? हेमा मालिनी ने खुद से भी खूबसूरत उनकी तस्वीर उतारने वाले चित्रकारों कृष्ण और गोविंद कन्हाई की जमकर तारीफ भी की। डेडिकेशन एंड लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दे हैव मेड दिस पेंटिंग टू मेक इट लुक वेरी मच लाइक मी एंड इट इज लाइक दैट। इनफैक्ट इट लुक्स मच बेटर देन मी। जब हेमा मालिनी अपनी खूबसूरत पेंटिंग देखकर खुद इतना इम्प्रेस हैं, तो धर्मपाजी यानी धर्मेंद्र इस पेंटिंग को देखेंगे तो आखिर क्या होगा, इसका जवाब भी हेमा मालिनी ने ही दिया। If you were to give this to, you know, show this, take this home, what would Dharam
he should fall in love again. He should fall in love again. अरे वही तो है प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए भेज दे चाहे जेल में प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में हेमा मालिनी की बातें उतनी ही दमदार हैं जितनी वो दमदार एक एक्टर हैं और जितनी वो खूबसूरत हैं और इन सब के साथ वो एक सांसद भी हैं लेकिन हेमा मालिनी और भी बहुत कुछ हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल वेलकम बैक हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बीते जमाने की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की खूबसूरती में आज भी वो किसी नई नवेली एक्ट्रेस से कम नहीं है हेमा मालिनी की इसी खूबसूरती को कैनवस पर उतारा मशहूर चित्रकार कृष्ण और गोविंद तन्हाई ने किसी शायर की गजल अपनी खूबसूरत पेंटिंग पर निहाल होती हेमा मालिनी ने इस एग्जीबिशन में आज की हीरोइंस को चैलेंज भी किया किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का दावा है कि आज भी वही बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल है आज नहीं तो कल मेरा जी आपसे ड्रीम गर्ल जो बाकी अभी तक कोई छीन नहीं पाया तो पर्सनली आप किसको देना चाहेंगे आजकल की अदाकारों में किसको ड्रीम गर्ल पेंटिंग है ना प्रिया पेंटिंग है ना हेमा मालिनी अपने ऊपर बनाई गई इस पेंटिंग को अनमोल मानती हैं। इस पेंटिंग के बाद उन्हें मैडम टुसाद के वैक्स म्यूजियम में स्टैचू बनने की भी हसरत नहीं रही किसी शायर की गजल किसी झील का कंवल किसी शायर की गजल किसी झील का मेरे लिए वो उससे भी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये जो कलाकार हैं किसी ऐसे वैसे को पेंटिंग नहीं करते हैं सिर्फ लॉर्ड कृष्णा का पेंटिंग करते हैं जो कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण के पेंटिंग करने वाले ने मेरी तस्वीर बनाई है ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज है मेरे लिए मैडम त्रिजात में मेरा वैक्स म्यूजियम में मेरा स्टैचू रखे न रखे उसका कुछ असर नहीं पड़ता मेरे सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू नहीं 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 भाभी ऐसे नहीं एक्टिंग करके बताओ झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू हाउ डू यू डू झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू हाउ डू यू डू जब वो कहे हाउ डू यू डू बोलो आई लाइक यू समझे झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू हाउ डू यू डू जब वो कहे हाउ डू यू डू बोलो आई लाइक यू ऐसा क्या अब तुम करके दिखा कैसे बोलोगे हाउ डू यू डू हाउ डू यू डू आई लव यू ओहो आई लव यू इतनी जल्दी नहीं रहे बाबा
पेंटिंग की दीवानी हेमा मालिनी खुद भी पेंटिंग करने की शौकीन है। आप भी सुनिए पहली बार हेमा ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी और किस खास मौके पर बनाई थी। मुझे याद है जब when I was expecting my first baby that is Asia, तो मुझे एक बहुत सुंदर सा कृष्ण का पेंटिंग दिया गया था, तो उस छोटे बच्चा बेबी कृष्ण का, तो उसका मैं पेंटिंग किया था मैंने, बहुत ही सुंदर पेंटिंग, आई मीन वेरी, इतना बहुत ही अच्छा नहीं होगा बट मैंने जितना कोशिश करके किया, और वैसे ही एशा पैदा हुई थी जब पैदा हुई थी। दर्शकों ने हेमा मालिनी इस ड्रीम गर्ल को हर अंदाज में, हर रूप में पसंद किया है, चाहे वो अपने जमाने के उनके कैरेक्टर्स हो या फिर बागबां का कैरेक्टर। हेमा मालिनी के जलवे आज भी इंडस्ट्री में कायम है और शायद यही वजह है कि उनका कॉन्फिडेंस है और वो खुद को आज भी ड्रीम गर्ल मानती हैं। दर्शकों को बता दें, हेमा मालिनी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया है। भले ही आज नई एक्ट्रेसेस के कई फैंस हो, कई दीवाने हो, लेकिन इस ड्रीम गर्ल की जगह बिल्कुल भी नहीं बदली है। हेमा मालिनी खुद मानती है कि आज भी इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल सिर्फ वही है। आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी आज भी उतनी ही तरोताजा लगती हैं जितनी 20 साल पहले अपनी फिल्मों में लगा करती थी। हम स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हेमा मालिनी का एक और रूप। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल। वेलकम बैक, हम बात कर रहे हैं बीते जमाने की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। खूबसूरती में आज भी वो किसी नई नवेली एक्ट्रेस से कम नहीं है। हेमा मालिनी की इसी खूबसूरती को कैनवस पर उतारा मशहूर चित्रकार कृष्ण और गोविंद ने। अपनी खूबसूरत पेंटिंग पर निहाल होती हेमा मालिनी ने इस एग्जीबिशन में आज के हीरोइंस को चैलेंज भी किया। हेमा मालिनी का ये दावा है कि आज भी वही बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल है। हेमा मालिनी का एक और रूप, हेमा मालिनी को बतौर डांसर भी दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वो असल मायने में एक कलाकार ही हैं। आपको बता दें, हेमा मालिनी हमेशा कला के नए नए रूप सीखने के लिए तैयार रहती हैं। मैं एक कलाकार हूँ, तो कला हमेशा हर किस्म के कला के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वेदर इट इज अ पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, एवरीथिंग, फाइन आर्ट्स। तो मैं भी एक जमाने में पेंटिंग करती थी, अभी भी आजकल भी थोड़ा बहुत स्केचेस कर लेती हूँ, लेकिन मैंने इन दोनों भाइयों से यही रिक्वेस्ट किया कि मुझे आप सिखाइए ये पेंटिंग।
तो मैं जरूर सीखना चाहती हूँ उनसे। सिखाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सिखाएंगे। क्या बात है। वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना, वादा तो निभाया, वादा तो निभाया। इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या ये न समझना, आज भी ऐसे जाने दूंगा, ऐसा भी क्या। कितना सताया पहले उसका हिसाब दो, अखियों में अखियां डाल के जवाब दो। बचते बचाते हो, बचते बचाते छुपते छुपाते, तुम क्या जानो कैसे आई वादा तो पेंटिंग देखने पहुंची हेमा मालिनी। अपनी पेंटिंग को देखने के बाद काफी खुश नजर आई और इस मौके पर उन्होंने सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं दी। जितने भी दर्शक हैं, जहां पे भी हैं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आई विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरीवन, एंड प्ले दिस क्रैकर्स एंड ऑल वेरी सेफली, दैट्स व्हाट आई विश। दिल में मोहब्बत है क्या, जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है। ढींगर 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 किसी शायर की गजल, ढींगर किसी झील का कंवल, ढींगर किसी शायर की गजल, ढींगर किसी झील का कंवल, ढींगर कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ढींगर ढींगर किसी शायर की गजल, ढींगर किसी झील का कंवल, ढींगर कहीं तो मिलेगी कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ढींगर ढींगर किसी शायर की गजल, ढींगर कभी तो मिलेगी आज नहीं तो कल। ढींगर